मैं सीधे चलूंगा, डॉक्टर साहब इस वक्त मेरे साथ हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये अगर भारत की बात की जाए तो आपको लगता है कि वैक्सीन, डॉक्टर अजीत, वैक्सीन पूरी दुनिया को नजदीक लाने के लिए भी एक बहुत अच्छी चीज हो सकती है? जिस कोरोना की वजह से पूरी दुनिया दूर हो गई, अब ये वैक्सीन उसको नजदीक भी लाएगी? डेफिनेटली, भारत धरती पे वैक्सीन बनाने का सबसे बड़ा सेंटर है, और भारत में ये जो वैक्सीनाइजेशन की ड्राइव जो शुरू हुई है, ये धरती की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन की प्रोग्राम है। इससे बड़ी प्रोग्राम आज तक कभी लॉन्च नहीं हुई। यहां तक मैं कोविशील्ड की बात करूं, जो पहले दौर के अंदर मेजर शेयर जिसका है, ये कोविशील्ड वैक्सीन एक एडिनो वायरस, जो चिंपैंजी एडिनो वायरस है, उसको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है, उसमें जो आरएनए की कोरोना वायरस की है जीन कोडिंग करके, उसे इंजेक्ट करके उसके अगेंस्ट जो स्पाइक प्रोटीन है उसके अगेंस्ट हमारे यहाँ पर एंटीबॉडी बनाती है बॉडी में, होस्ट सेल। ये बेसिक है कोविशील्ड का। और जो कोवैक्सीन है भारत बायोटेक का, वो एक चिल्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, जिसके साथ में हम लोगों का एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा है, क्योंकि अगर धरती की पहली वैक्सीन बनी थी वो भी इनएक्टिवेटेड थी, दूसरी बनी थी रेबीज की वो भी इनएक्टिवेटेड चिल्ड वैक्सीन थी, तीसरी ओरल पोलियो वैक्सीन जो बनी थी वो भी इनएक्टिवेटेड चिल्ड वैक्सीन थी, जो बीटा प्रोपियल इलेक्ट्रॉन या हीट या रेडिएशन से करते हैं। तो हम लोगों का एक्सपीरियंस इन वैक्सीन के साथ में, जो चिल्ड वैक्सीन है उसके साथ में सबसे ज्यादा है। तो हमारे ये जो दूसरा वैक्सीन है जिसका थर्ड फेज ट्रायल का डेटा आना है, इससे भी हम बहुत होपफुल हैं। तो हमारी ये दोनों वैक्सीन काफी हद तक सक्सेसफुल जाएगी, और ये सिर्फ इंडिया को ही नहीं, पूरी दुनिया को इससे कोरोना बीमारी से निजात दिलाने में बहुत हेल्प करेगी। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए टाइम निकालने के लिए भी और हमसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि आगे मैं आपको भी आई विल नॉट ट्रबल यू मोर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।